प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रे मन लोभी सुन मन मेरे, इस बात में भी बहुत गलत फहमी है। इस एक पंक्ति को समझने के लिए एक दृष्टांत पहले बड़े ध्यान से सुनेगा साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए आवाज नहीं आ रही। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रे मन लोभी सुन मन मेरे, एक दृष्टांत महापुरुष दिया करते थे बार बार समझाने के लिए इस पंक्ति को। राजा का दरबार है, सवाल उठा ऐसी कौन सी दलदल है, ऐसी कौन सी मन के रोग की दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंस जाए फिर बाहर नहीं निकल सकता, धंसता ही जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो राज पंडित थे, राजा उनकी तरफ देखने लगा, भाई आप जवाब दो, आप ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, विद्वान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर राज पंडित को जवाब सूझे नहीं। ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंसना शुरू हो जाए फिर बाहर नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। जब राज पंडित को जवाब नहीं सूझा तो राजा क्रोधित हो गया, कहने लगा इतनी तनख्वाह लेते हो, इतना धन तुम्हें मैं देता हूँ, तुम्हें इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं आता। 3 दिन देता हूँ तुम्हें, या तो जवाब दो या तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी राज पंडित उदास बैठा है, घर चला गया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3रा दिन आ गया, सोच रहा है कि नगर छोड़ के ही चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर यहाँ रुका राजा जेल में डलवा देगा। तो राज्य छोड़कर जा रहा है, रास्ते में कौन मिल गया, एक अयाली बकरी चराने वाला। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं थके हारे चल चल कर जंगल में, उदास हैं, जवाब नहीं आ रहा, घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। अयाली ने देखा पंडित जी उदास है, पास आके कहने लगा मैं कोई सेवा कर सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी पहले उदास हैं, परेशान हैं, कहने लगे भाई जा अपना काम कर, तू मेरी क्या मदद करेगा। अयाली कहने लगा बताओ तो सही, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तो पंडित ने वो सवाल बताया जो राजा ने पूछा था कि ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें इंसान फंसना शुरू हो जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। वो अयाली कहने लगा मैं तो नीवी जात का, छोटी जात का आदमी, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं, पर आपकी तकलीफों का अंत कर सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ये राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हो, मैंने एक साधु की सेवा की थी, उसने मुझे एक छोटे सा टुकड़ा दिया था पारस का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसने मुझे टुकड़ा दिया था पारस का, मेरे किस काम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं छोटा आदमी हूँ, पारस का सोना बना के क्या करूँगा, मैं जिसमें हूँ उस हाल में खुश हूँ, पर मैं पारस का टुकड़ा आपको दे देता हूँ ताकि जिस भी राज्य में जाओ आप सुख से रहो, बहुत जितना चाहो धन कमा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पंडित जी खुश हो गए, कहने लगे दे पारस। अयाली कहने लगा मेरे पर मेरे मन की एक इच्छा है, जिस दिन मुझे पारस मिला मैंने सोचा था जो मेरा शागिर्द बनेगा, मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरु बनूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा जो शागिर्द बनेगा उसे मैं ये पारस का टुकड़ा दूंगा। पंडित कहने लगा मैं तेरा शागिर्द तो बन नहीं सकता, तू नीवी जात का, मैं ऊंची जात का पंडित ब्राह्मण, वो भी राज पंडित, मैं तेरा शागिर्द कैसे बन सकता हूँ। अयाली कहने लगा बस मेरे मन की भावना है, नहीं बन सकते तो ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते,
अयाली जाने लगा तो पंडित जी ने मन में सोचा, यहाँ कौन देख रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यहाँ कौन देख रहा है। दो मिनट के लिए इसका शागिर्द बन जाता हूँ, पारस एक बार हाथ में आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने आवाज़ दी, ठीक है मैं तेरा शागिर्द बनने को तैयार हूँ, मैं तेरा शागिर्द, तू मेरा गुरु, पारस दे। अयाली कहने लगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा गुरु शिष्य बन जाता है। मैं अपनी बकरी का दूध निकालूंगा एक कटोरे में, वो मैं पीऊंगा, मेरा जूठा आप पियेंगे, तो आप मेरे शिष्य में, आपका गुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं पंडित ब्राह्मण तेरा जूठा पीऊं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नहीं हो सकता। अयाली कहने लगा, नहीं हो सकता तो आप अपने रास्ते, में अपने रास्ते। अयाली जाने लगा, पंडित जी ने सोचा, यहाँ कौन देख रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पारस हाथ में आ जाएगा, थोड़ा जूठा पी भी लूंगा तो माफी मांग लूंगा भगवान से मंदिर में जाके कि इसका जूठा पिया था। पंडित जी ने आवाज दी, ठीक है अयाली, मैं तेरा जूठा पीने के लिए भी तैयार हूँ, पारस दे, निकाल कटोरे में बकरी का दूध, तू पी फिर मैं पीता हूँ। अयाली मुस्कुरा के कहने लगा, ऐसे थोड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समय तो गया, उस समय आपने बात नहीं मानी, अब कटोरे में दूध निकालूंगा बकरी का, पहले मैं पीऊंगा फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसका जूठा आपको पीना पड़ेगा, फिर पारस दूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे, यह तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, मैं और कुत्ते का जूठा पीऊं, तेरा पीने को तैयार हो गया हूं, कुत्ते का नहीं पी सकता, जा अपना काम कर। अयाली जाने लगा, थोड़ी दूर गया, पंडित जी ने सोचा, एक बार कुत्ते का जूठा पीना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पारस हाथ में आ जाएगा, जितना चाहे सोना बना लूंगा, मैं सबसे धनवान बन सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एक बार कुत्ते का जूठा पी लूंगा, इसका जूठे पीने की माफ़ी मांगनी थी, कुत्ते के जूठे पीने की भी माफ़ी मांग लूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने आवाज़ दी, अयाली रुक जा, मैं तेरे कुत्ते का जूठा पीने के लिए भी तैयार हूँ, पारस दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अयाली मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा, पंडित जी मैं छोटा सा आदमी, मेरे पास कहाँ से पारस आया, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है आपके सवाल का जवाब जो राजा ने पूछा कि ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें आदमी धसना शुरू कर दिया तो धसता ही चला जाता है, वो है लोभ की दलदल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। लोभ लालच ये दलदल ऐसी है, एक बार एक पैर इंसान ने इसमें रखा तो धसता चला जाता है, ये वाणी भी कह रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, लोभ रे मन लोभी सुन मन मेरे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमें लगता है हम लोभी नहीं हैं, आज विचार जब सुनेंगे ना कपाट खुल जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब लोभी हैं किसी ना किसी प्रकार के, हम सब, वाणी कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, भाई गुरुदास जी क्या कहते हैं, गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं कि लोभ से छुटकारा कैसे पाया जाए, लोभ करता क्या है, लोभ किस कितने प्रकार का होता है, और आखिर में लोभ से छुटकारा कैसे पाया जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ गुरु नानक मेहर करें, इस प्रकरण को सुनकर जो वाणी द्वारा हमें आज ज्ञान मिलेगा, गुरु नानक मेहर करें हमारे अंदर से लोभ खत्म हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जब तक तेरे अंदर इतनी मात्रा में विरंचक मात्रा भी लोभ है ना, तेरा जन्म मरण खत्म नहीं होगा, तू जन्म भी लेता रहेगा मरता भी रहेगा, तेरा आना जाना नहीं खत्म होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।